नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज शिव शक्ति धाम मंदिर और सिटी हलचल के कार्यालय पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाराणा प्रताप जी के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित किया गया और महाराणा प्रताप जी पर पुष्प अर्पण किए गए। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए बलिदान दिया। उन्होंने क्षत्रिय समाज को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पुष्प अर्पण कर रहे हैं। मास्टर अशोक जी, और पटवारी जी, सुशील जी और अमरदेव जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग एकत्र हैं और महाराणा प्रताप जी के चित्र पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं। अमरदेव जी पुष्प अर्पण कर रहे हैं। चिंगारी बिजनौर के टाइम्स के प्रभारी धर्मवीर सिंह चौहान महाराणा जी के पुष्प अर्पण कर रहे हैं। क्षत्रिय सभा के कोषाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी पुष्प अर्पण कर रहे हैं और क्षत्रिय सभा के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे महाराणा प्रताप जी के चित्र कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर हमारे मौजूद हैं बुखरा जी, और उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं महाराणा प्रताप जी के पुष्प अर्पण कर रहे हैं। नजीबाबाद में महाराणा प्रताप जी की हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है जयंती। क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान आप देख रहे हैं, सिटी हॉल चल के डायरेक्टर राजपाल सिंह चौहान यहाँ पर उस पर काम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में उदय प्रताप सिंह के पुत्र के रूप में हुआ। महाराणा प्रताप बचपन से ही बड़े निडर साहसी वीर रहे हैं और इनका मुकाबला मुगलों से शुरू होकर और लास्ट हल्दी घाटी युद्ध तक उन्हीं के साथ युद्ध चलते रहे। महाराणा प्रताप अपनी क्षेत्र अपनी धरती के लिए, धरती को भी माता समझकर उनके मान सम्मान के लिए जीवन पर्यंत युद्ध लड़ते रहे। और युद्ध लड़ते लड़ते ये उनका भाग्य रहा कि कभी किसी मुगल के हाथ वो नहीं लगे और अंत में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप जी को सब सब नमन। आज हमारे गौरव, हमारे स्वाभिमान श्री महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है। इनका जन्म 9 मई सन 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता उदय प्रताप सिंह द्वितीय थे। इनकी माता का नाम श्रीमती जयवंती देवी यह था। ये महाराणा प्रताप जी का जन्म उदय प्रताप की बड़ी रानी के गर्भ से हुआ था और ये सबसे ज्येष्ठ थे। इसके बाद धीरे धीरे मुगल काल आया और मुगल काल में अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। विस्तार करने में उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किया, लेकिन महान स्वतंत्रता प्रेमी, महान देशभक्त, महान देश प्रेमी उन्होंने वहाँ अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया, बल्कि उनसे हमेशा चित्तौड़ की रक्षा की। कालांतर में एक कहानी थोड़ी सी याद आती है, अगर लंबी कहूँ। एक बार जंगल में वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार करते समय एक ओर से शक्ति सिंह ने जिसका शिकार करना था शेर, उसको घेरा। दूसरी साइड से महाराणा प्रताप जी ने उसको घेरा, उसका शिकार करना था
सहयोग से दोनों ने उस शेर पर निशाना लगाया और अपने अपने भालों का प्रयोग किया। कहते हैं कि पहले या एक दो सेकंड का तो अंतर रहता ही होगा, लेकिन आज की पीढ़ी वो बढ़िया तो नहीं है, लेकिन संयोग से दोनों का भाला उस शेर पर लगा, वो धराशायी हो गया। वहाँ पर इन दोनों भाइयों में ये विवाद हो गया कि मेरे भाले से पहले मेरा भाला लगा है और दूसरा कह लगा मेरा भाला हुआ लगा है। तो कहते हैं वहीं पर इस बात के लिए क्षत्रिय का जो आज गुण है कि अपने आप में वो एक दूसरे के अपने ही के सामने लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, दूसरे के आगे जो है बिल्कुल ढिक्की बिल्ली बजाते हैं। अकबर सिंह सेना से जाकर के मिल गए और वहाँ पर उन्हें मंत्री पद मिला। अब इस युग में दूसरे क्षेत्र में श्री मान सिंह जी भी हुए हैं। श्री मान सिंह जी ने भी अपने अकबर से अपने जागीर की सुरक्षा के लिए महाराणा प्रताप की जय, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। हमारे साथियों, जो घटना मैनपुरी में महाराणा प्रताप से संबंधित हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं तथा उनके जो भी पार्टी के अध्यक्ष हो उनसे निवेदन करते हैं कि उन्हें आराम से, तसल्ली से तथा शालीनता से अपने कार्यक्रम पूर्ति कराने की कृपा करें।